हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनी सुपर आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं क्योंकि कोटा ओपन के फॉर्म जो आपने फिलअप किए हैं उसके अपडेट्स क्या आ रहे हैं और उसका जो कि स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर बताया था। और इस वीडियो में देखते हैं कि उसका फॉर्म वेरीफाई होने के बाद क्या क्या आपको मिलता है, यानी फ्रेंड्स इसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड्स मिलते हैं और क्या क्या कुछ इसमें डिटेल्स मिलती हैं और आप इसका जो कि आपके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आप कैसे देख सकते हैं। तो पूरे वीडियो आप देखें तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आई फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीनी सुपर नए इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, जिससे हमारे जो भी न्यू होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि देखिए यहाँ पर न्यू एडमिशन 2021 फॉर्म स्टेटस कैसे देखे, तो ये वीडियो मैंने आपको बता दिया। और आपको अभी तक स्टेटस देखना नहीं आता है और आपने हाल ही में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि न्यू एडमिशन 2021 कैसे कर सकते हैं। भाई फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट vmou.ac.in पर आ जाना है और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप सीधे ही इस पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एडमिशन का लिंक दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं, अप्लाई नाउ, प्रिंट फीस रिसीप्ट, प्रोफेक्शन 2021। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस, तो यहाँ पर हम स्टेटस पहले देख लेते हैं कि वेरीफाई होने पर क्या बताएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके फॉर्म फिलअप की हैं वो लगाई हैं, तो यहाँ पर आपको डालकर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर पहले वीडियो में से चेंज लगेगी। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्टेड, एप्लीकेशन स्टेटस प्रोसेस, और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, स्कॉलर नंबर अलॉटमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्कॉलर नंबर अलॉटमेंट हो चुके हैं। देखिए स्कॉलर नंबर अलॉटमेंट होने के बाद में आपका जो कि फॉर्म है वेरीफाई हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस जो कि प्रोसीड बता रहा है, जो कि अभी इसमें अपडेट नहीं हो चुका है, लेकिन आपका फॉर्म पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप सिंपली आगे प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन व्यू जो कि स्टूडेंट्स के लिए वन व्यू का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको पहले जो एप्लीकेशन नंबर लगाने होते हैं, यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर डालना है। स्कॉलर नंबर आपको डालकर और इसके बाद आप आपको जो कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपने पहले स्टेटस चेक करने के लिए डाली थी। और यहाँ पर आपको जो कि लैंग्वेज चूज कर लेनी है, आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं, आपको पूरा जो कि आपके सामने इसका वन व्यू आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो आ गया है, आपके स्कॉलर नंबर और पाठ्यक्रम, आपका जो क्षेत्रीय केंद्र आ गया है, अध्ययन केंद्र आ गया है, और यहाँ पर नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डाउनलोड, यहाँ पर आपको डाउनलोड दिखेगा, यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि डाउनलोड, छात्र पहचान पत्र, चेंज करेक्शन फॉर्म, स्टूडेंट मास्टर रिकॉर्ड्स, पुराने प्रश्न पत्र, अकेडमिक कैलेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड छात्र पहचान पत्र, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कि वापस से स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मांगेगा, तो यहाँ पर आपको जो कि डेट ऑफ बर्थ और स्कॉलर नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको आप एक पीडीएफ फाइल खुल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ऐसा आपके आइडेंटिटी कार्ड आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड, स्कॉलर नंबर, प्रोग्राम, यानी कि आपने कौन से कोर्स के लिए फॉर्म भरा है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, यहाँ पर आपके जो कि कौन कॉलेज है, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको इस आइडेंटिटी कार्ड में आ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप आपका आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट कैसे कर सकते हैं तो आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, दोस्तों में शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के आगे के एजुकेशनल वीडियोज़ लगातार देखते रहने के लिए।